किसान वीरो सत श्री अकाल, मेरा नाम है दर्शन सिंह और आप सभी का वेलकम करता हूँ फार्मिंग लीडर चैनल में। किसान वीरो, आज हम डॉग फार्मिंग के ऊपर वीडियो बना रहे हैं और बहुत ही सफलता तरीके से हमारे ब्रदर चला रहे हैं इसको। बात यानी कि नौकरी के पीछे भागने की बजाय इन्होंने डॉग फार्मिंग को चुना है। इसको अंग्रेजी में कैनल कहा जाता है। तो भाई साहब से जहाँ जानकारी हम लेंगे तो ये देख सकते हैं, ये कुरुक्षेत्रा के शाहबाद के नज़दीक खेडूनी गाँव है, वहाँ पर आए हुए हैं हम। तो देख सकते हैं ये हमारे ब्रदर का बैनर है। तो वीर जी हैं, उनका नाम है रणजीत जी। तो वीर जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, क्या हाल है जी? बहुत ही बढ़िया ब्रदर। ठीक है, एन बढ़िया जी। ब्रदर, एक तो आप बताएं भी, आपने नाम बड़ा यूनिक रखा हुआ है, इंजीनियरिंग कैनल। नाम यूनिक रखा है जी, अपने प्रोफेशन मैंने इंजीनियरिंग करी है जी, डिप्लोमा, फिर बीटेक, फिर एमटेक सिविल इंजीनियरिंग से जी। और मेरा शौक था जी, शौक फिर प्रोफेशन में कन्वर्ट कर दिया जी जी, और उसकी वजह से इंजीनियर्स कैनल नाम रखा हुआ है। ओके 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 ओके। तो आपकी एज कितनी हो चुकी है? मुझे लग रहा है आपका काफी कम एज है आपकी। 26 है जी। 26 है। इतनी कम उम्र में आपने क्यों चुना इस पर प्रोफेशन? देखो, मेरा शौक था जी आज से 10 साल पहले। ठीक है। गांव में से किसी का भी डॉग ले आना, मांग के उसको रोटी पानी खिलाना और फिर 10-15 दिन बाद दे जाना। ठीक है जी, एक शौक था, कुत्तों से बड़ा प्यार था जी। उसके बाद देखा भी, एक शौक को अगर प्रोफेशन बनाया जाए जी तो बहुत अच्छी बात रहेगी और सक्सेसफुल भी हुआ इस चीज में जी, और आगे भी अभी बड़ा कुछ करना है, अभी स्टार्टिंग है जी। कितना समय हो चुका है अपन ये शुरू करे? 9 साल डॉग रखते को मेरे को हो गए जी। 9 साल? 8-9 साल हो गए जी। 2008 से मैंने स्टार्ट किया था जी। 2008 में पहली एक बिच लेके आया था, वही पैसे उधार लेके। ठीक है जी। उसके बाद दो तीन साल के बाद उसकी डिलीवरी हुई, बच्चे हुए, बच्चे बेचे, उसके बाद से बस ये शौक और मतलब बिजनेस में स्टार्ट हो गया। बिजनेस स्टार्ट हो गया। तो चलो दोस्तों, हम इनका आपको फार्म भी दिखाते हैं। यूएन का बैनर है, आप देख सकते हैं। हमारे ब्रदर ने इधर हॉर्स भी रखे हुए हैं, उसके बारे में अलग से आपको बताएंगे। तो ब्रदर, मैं आपका देख पा रहा हूँ, ये फार्म है आपका जी। आपने इसको चारों तरफ से कवर कर रखा है जी, इसका क्या रीजन है जी? कवर का रीजन सर ये है जी कि अगर बाई चांस रात को या दिन में मैं यहाँ नहीं हूँ, ठीक है जी, और कोई डॉग इधर उधर खुल जाए, ठीक है, तो इस बाउंड्री के अंदर ही रहे, इसलिए। इससे पहले एक बार घटना होगी जी, डॉग खुल के चला गया था, उसका एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए डॉग यहीं पे रखे हैं जी, ताकि बाउंड्री इसलिए कराई गई है कि डॉग बाहर खुल के अगर खुल भी जाए यहाँ से तो बाहर ना जाए। ये पर्पस है इसका जी। वीर जी, मैं आपसे ये बात जानना चाहता हूँ, इसमें इनकम कैसे होती है? क्योंकि प्रोफेशन एक बड़ी बात है, शौक एक बड़ी बात है, लेकिन इनकम भी तो होनी चाहिए ना, कैसे इनकम होती है इसमें जी? इनकम सर ऐसी है जी, सपोज करो ये स्टड है मेरे पास जी, जी जैसे कि लैब्राडोर है और ये गोल्डन रिट्रीवर है जी जी, साइबेरियन हस्की है जी जी, और अमेरिकन बुल्ली है जी, जी जर्मन शेफर्ड है जी जी। तो इनका फंडा क्या है जी, जैसे कोई फीमेल मीटिंग कराने आता है ना जी जी, तो उसकी हमने मीटिंग फीस रखी हुई है, डॉग की अलग अलग फीस है, 15,000 है, 20,000 है, 10,000 है, तो वो जैसे एक महीने में 3-4 मीटिंग डॉग आराम से कर देते हैं। ठीक है तो उस मीटिंग से इनकम आती है। ठीक है। या जो मीटिंग से पपीज आते हैं, जो उन पपीज को हम सेल करते हैं जी, वो इनकम है। ठीक है जी। या तो आप क्रॉस कराने के लेते हो, या जो उनसे जो पपीज आते हैं क्रॉस कराने के बाद, उनसे आप इनकम होती है आपको। ऐसी इनकम। ठीक है। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, टोटल कितने डॉग्स हैं आपके पास? सर मेरे पास 22-23 के अराउंड इस टाइम डॉग हैं, जिसमें 7-8 ब्रीड के डॉग हैं, अमेरिकन बुल्ली है, लैब्राडोर रिट्रीवर है, गोल्डन रिट्रीवर है, साइबेरियन हस्की है, जर्मन शेफर्ड है, और पग है, और रॉटवीलर। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप बताएं भी, आज के समय कैसा बिजनेस है? सर बिजनेस अच्छा है जी, अगर तरीके से करा जाए तो अच्छा है जी। ठीक है। आजकल लोग झूठ बोलते हैं, नस्ल कोई दिखा दी, फोटो किसी की भेज दी, व्हाट्सएप से सारा बिजनेस चल रहा है जी, फोटो कोई भेज दी, बच्चा कोई भेज दिया जी, उसकी वजह से क्या है कि जो लोग सही काम भी कर रहे हैं लोग उन पे भी ट्रस्ट नहीं करते। तो बिजनेस अच्छा है अगर तरीके से चला जाए, अच्छी ब्रीडिंग की जाए, अच्छी नस्ल अगर रखी जाए, तो बिजनेस बहुत अच्छा है, इनकम अच्छा है। एक आपने बात की ब्रीडिंग की, इसमें ब्रीडिंग कैसे होती है जी? ब्रीडिंग ऐसा है सर, आपने अपनी फीमेल रखो, आप अपना मेल रखो, उनके क्रॉस कराओ, जब वो हीट में आए उस हिसाब से उनकी ब्रीडिंग कराओ आप। अगर अच्छा मेल फीमेल होगा, ब्रीडिंग होगी, अच्छे बच्चे होंगे तो अच्छा रेट मिलेगा। अगर आपकी फीमेल या मेल लो क्वालिटी का, तो उस हिसाब से मेल प्राइस मिलेगा उनका। तो फिर सेलेक्ट कैसे करते हैं अच्छा मेल और फीमेल? सर पेडिग्री पे डिपेंड करता है जी। अगर सपोज करो जो इंडिया में अच्छे डॉग बाहर से आए हुए हैं, इंपोर्ट हुए हैं, आप उनके बच्चे लो या फिर आप डायरेक्ट बाहर से मंगाओ, तो उनके अच्छी ब्रीडिंग आपको होगी, क्योंकि अच्छी ब्रीड जब आप रखोगे तो अच्छा बिकेगा और अच्छे पैसे मिलेंगे। जैसे डॉग शो आजकल होते रहते हैं, बहुत डॉग शो होते हैं जी, इनका भी कोई महत्व है इसके अंदर डॉग फार्मिंग में? महत्व है सर, अगर आप अपना डॉग शो के अंदर डॉग लेके जाएंगे, अगर आपका डॉग अच्छी विनिंग कर रहा है, अगर आपका डॉग जैसे
एक लेवल पे इंडियन चैंपियन भी बन गया है, ठीक है। अगर इंडियन चैंपियन बन गया तो उसका बच्चा ऑब्वियस ही बात है कि अगर उसके अंदर कुछ क्वालिटी है तब उसको टाइटल मिला है ना, तो अगर उसको टाइटल मिला है तो उसका बच्चा महंगा बिकेगा। तो डॉग शो का महत्व ये है जी, आप डॉग शो में लेके जाओगे, आप हर ब्रीडर भाई वहां पे आएगा, आपके लिंक भी बनेंगे और आपके पपीज भी अच्छे रेट पे सेल होंगे, ठीक है। आपने बताया भी अच्छा बिजनेस है, तो आम बंदा इसको कैसे स्टार्ट कर सकता है, कोई क्या कोई इसकी कोई ट्रेनिंग भी होती है या इसको अपने आप से सीखना पड़ता है? सर ट्रेनिंग तो ऐसा है, कोई अगर बच्चा रखेगा उसको खुद ब खुद सीख जाएगा कि उसको पालना कैसे है, एक बीमार भी होगा वो ठीक भी होगा वो सीखेगा। जी जी, तो अगर किसी को स्टार्ट करना है तो फीमेल से अपना स्टार्ट करे, अच्छी फीमेल से स्टार्ट करे, क्योंकि अगर आप मेल रखोगे मेल से स्टड सर्विस अगर आप करोगे तो आपको मीटिंग सेंड करना है, तो मीटिंग के लिए आपको लिंक चाहिएगा, लिंक बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए आप फीमेल से स्टार्ट करो, एक अच्छे मेल से आप मीटिंग लो। और जो आजकल कैसे है, जो हमारा सिस्टम है जी, हम खुद ही अपने स्टड से जो मीटिंग कराते हैं, कोई बाहर मीटिंग करा के लेके, हम खुद ही सब बच्चे खरीद लेते हैं, तो एक अच्छे स्टड से आप मीटिंग कराओ, फीमेल रखो, उसमें आपको कोई नॉलेज की कम जरूरत पड़ेगी और आपको स्टार्ट करना आसान रहेगा, ठीक है। तो सर मैं अब आपके डॉग्स देखना चाहूँगा, आप मुझे बारी बारी करके अपने जो क्वालिटी डॉग्स हैं वो आप दिखाएं। तो दोस्तों मैं आपको अब सर का फार्म दिखाना चाहता हूँ, देख सकते हैं ओपन खेतों में इनका ये फार्म है, और इधर आप देख सकते हैं ये सर का फार्म है, और इधर हमारे ब्रदर बैठे हैं। तो सर इस डॉग के बारे में आप हमें बताएं। सर अमेरिकन बुली डॉग है, पॉकेट साइज डॉग है, 12-13 इंच इसकी हाइट है जी, और लोग इसको रॉयल ब्रीड है, एक महंगा बहुत होता है, उसकी वजह से लोग इसको रखना बहुत पसंद करते हैं, घर में बच्चों के साथ खेलने कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो शूट करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मुझे, मैं आपको पास से दिखाना चाहूंगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपके कान काफी रिस्क ले लिया है, तो देखें यहाँ पे ब्रीड है और ड्रैगन इसका नाम है जी, 13-14 महीने का डॉग है ये, ठीक है। और एज ए स्टड हम इसको यूज करते हैं जी, ठीक है। 25,000 इसकी मीटिंग फीस है। कितना? 25,000 इसकी मीटिंग फीस है और 12-13 इंच इसकी हाइट है जी, ठीक है। इसकी ऐसी क्या खासियत है, क्यों इतना फेमस है? सर फेमस इसलिए है जी, एक तो इसका टेम्परामेंट कूल है, ठीक है, लोग घर में रखें कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चों के साथ बिल्कुल एडजस्ट करता है जी। कुछ लोगों ने अमेरिकन बुल्ली को पिटबुल के साथ कंपेयर करके बदनाम किया हुआ है, ठीक है। तो मैं सबको एडवाइस करूंगा कि अमेरिकन बुल्ली घर में रख के देखें, इस डॉग के साथ आओ खेलो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत नेचर अच्छा है सर, आप खुद खेल सकते हैं। दोस्तों विजिट किया है, आप मेरे देख सकते हैं यहाँ पर क्या हालत है, और बाकी भी डॉग सर आप हमें दिखाएं अपने। तो सर ये कौन सी ब्रीड है, इसके बारे में आप हमें बताएं। सर ये लैब्राडोर है जी, लैब्राडोर रिट्रीवर, ठीक है। ये घर में बच्चों के साथ खेलने के लिए और समझदार बहुत है जी, डिफेंसिव मैक्सिमम, इंडिया के अंदर या बाहर भी मैक्सिमम इसको लैब्राडोर को यूज करते हैं, इसकी स्मेलिंग पावर बहुत है जी और समझने की पावर बहुत है, ठीक है। ये मेल है जी, माइकल इसका नाम है, ठीक है, और ये फीमेल है, ठीक है, इसका नाम है लूना, ठीक है। इसकी कौन सी ब्रीड है सर? ये भी लैब्राडोर है सर, ये ब्लैक कलर है, ठीक है, ये गोल्डन कलर, ठीक है सर। और सर ने यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा, काफी खुला एरिया में इनको रखा गया है, तो आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ काफी बड़े बड़े पिंजरे हैं। 24x12 का स्पेस है सर, 24 फुट लंबा है जी, 12 फुट चौड़ा है, ठीक है। बाहर भी है, अंदर भी है, अंदर बैठना अंदर बैठे, बाहर बैठना बाहर बैठे, धूप में बैठना धूप में बैठे, अंदर कूलर में पंखे के नीचे बैठना वहां बैठे, ठीक है। अपनी सहूलियत के हिसाब से डॉग जहां बैठना चाहे वहां बैठ सकता है। तो दोस्तों मैं आपको एक और यूनिक ब्रीड यहां पे दिखाना चाहूंगा, तो सर इस ब्रीड के बारे में आप हमें बताएं। सर ये साइबेरियन हस्की ब्रीड है जी, जी जी, और इसका 50,000 से अब स्टार्ट होता है, जो अच्छी क्वालिटी का, इस तरह की क्वालिटी का, ठीक है। इसमें क्या क्वालिटी है सर? सर क्वालिटी है जी ब्यूटीफुल, देखो आप कितनी है, और इसे कोट है ना जो, ये वुली कोट में आ जाती है, ठीक है। ये कोट मिलता नहीं इंडिया में, है ही नहीं, ठीक है, बहुत कम है जी, ठीक बहुत है। कम हमारे भाइयों के पास है, तो इसका इसलिए रेट बहुत ज्यादा है, रेयर चीज है और सुंदर इतना लगता है, इसलिए ब्यूटी की वजह से लोग इसको रखते हैं, ठीक है। यानी कि इसकी ब्यूटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। ये मतलब कि ब्लू आइज भी होता है सर, एक फीमेल हमारे पास ब्लू आइज की भी है, ठीक है, ब्लू आइज की थोड़ी सी डिमांड ज्यादा है, सुंदर दिखते हैं वो ज्यादा, ठीक है। तो सर मैं जानना चाहूंगा कि इस ब्रीड को नॉर्मली फैमिली में हम रख सकते हैं, शांत ब्रीड है, रख सकते हो सर, ये सेम लैब्राडोर की तरह इसका टेम्परामेंट है और बहुत ही समझदार ब्रीड, आप यूट्यूब पे से कितने वीडियो सर्च कर सकते हो जी, जहाँ आपको खेलते दिखाई देंगे और कहना मानने बहुत अच्छा, अगर इसको आप थोड़ा 10-15 दिन 2 महीने की ट्रेनिंग दे लो, ठीक है। और इसका प्राइस कितने से कितने तक वेरी करता है? 50,000 के अराउंड इस तरह की क्वालिटी आपको मिलेगी, ठीक है, ठीक है जी। और नॉर्मली कितना रहता है? नॉर्मली 20 का भी पपी है इसका, ठीक है जी। यानी कि वो क्वालिटी के हिसाब से मिलता है, क्वालिटी की अप डाउन जैसे क्वालिटी होगी जी, उस हिसाब से रेट वेरी और डाउन करेगा, ठीक है। यानी कि इसको हम सुपीरियर क्वालिटी मान सकते हैं, बहुत सुपीरियर क्वालिटी है जी।
तो सर इसके बारे में आप हमें बताएं। सर गोल्डन रिट्रीवर ब्रीड है, इसका नाम है शीरो। इसकी क्या खासियत होती है सर? सर खासियत बहुत प्यारा है और एंटरटेनमेंट मूवी में भी आपने देखा होगा, यही डॉग है जी। तो ये उसी उसी की वजह से बड़ा फेमस है, एंटरटेनमेंट मूवी की वजह से बड़ा फेमस है ये लोग और बहुत ही समझदार। तो दोस्तों मैं आपको उसके पास से दिखाना चाहूंगा, तो आप देख सकते हैं शीरो। सर इसमें क्या क्वालिटी देखी जाती है? सर क्वालिटी इसका फर, फर देखो आप कितना है, बाकी इसका हेड इस हिसाब से कान गिरे होने चाहिए, टेल ऐसी होती है जी। तो ये सर नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में एनवायरमेंटली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो सर इनको अगर आप एसी प्रोवाइड करें सर्दी थोड़ी गर्मी के अंदर तो बहुत अच्छा रहेगा जी। जी और वैसे यहाँ भी ये एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, माहौल इनको अच्छा देना पड़ेगा हमें जी, इनका थोड़ा केयर ग्रूमिंग वगैरह, और आप ज्यादा बालों की वजह से ग्रूमिंग वगैरह ज्यादा करें, थोड़ा इनका बालों की वजह से ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ये जर्मन शेफर्ड है जी। जी जी, और इम्पोर्ट का सन है जी। ठीक है जी, और काफी लंबा चौड़ा डॉग है, आप देख सकते हैं जी। जर्मन शेफर्ड की स्टैंडर्ड हाइट 26 इंच है जी। इसकी 28 है सर, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चल गया है जी, लोग लंबे चौड़े कुत्ते पसंद करते हैं जी। तो इस वजह से कि जर्मन शेफर्ड अगर किसी ने गार्ड डॉग ऐसे गार्ड यूज करना है जी, तो सबसे बेस्ट जर्मन शेफर्ड है जी। वहाँ पर लैब्राडोर भूल जाओ, अमेरिकन बुल्ली भूल जाओ, सब भूल जाओ, जर्मन शेफर्ड से नीचे नीचे है सब। ठीक है, सिक्योरिटी रीजन में सिक्योरिटी डॉग जो है वो जर्मन शेफर्ड है। तो दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा कितनी हाइट है इसकी डॉग की, आप यहाँ पे देखें। तो मुझे यहाँ पे शूट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो आप यहाँ पे देखें, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको बेटर से बेटर व्यू देने की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई एक और डॉग यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये शानदार एक डॉग है। सर इस डॉग की क्या खासियत है सर? सर इस ब्रीड का नाम है जी इंग्लिश मैस्टिफ, और काफी ऊंचाई आप इसकी देख सकते हैं जी, बहुत ऊंचा डॉग होता है जी, बहुत भारी भरकम डॉग है जी। जिन लोगों को बहुत लंबे चौड़े और बहुत भारी भरकम कुत्ते पसंद हैं जी, इंग्लिश मैस्टिफ की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो इसका यानी कि ये बहुत हैवी होता है, बहुत हैवी होता है जी, बहुत लंबा चौड़ा डॉग है, और इसका हेड आप देख सकते हैं 1 क्विंटल के आसपास इसका बॉडी वेट जाता है 1 क्विंटल। अभी तो मैं देख पा रहा हूँ काफी, मतलब इतना हैवी नहीं मुझे अभी सर की डिलीवरी हुई है, बच्चे दिए इसने। ठीक है, फीमेल है ये, क्योंकि फीमेल थोड़ा मेल के कंपैरिजन में थोड़ा हल्का होता है। ठीक है, अभी इसने 12 बच्चों का लीटर दिया था, तो उसकी भी डिलीवरी हुई है इसकी, यानी कि ये फीमेल है, अभी इसने डिलीवरी दिया। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको पास से कवर करना चाहूंगा एक बार, तो आप यहाँ पे देखें। इसको तो हम वोडाफोन की एड में देखते थे, और इस एड के इसके बारे में बताइए आप हमें। ये टॉय ब्रीड है जी पग, जैसे कि शहर में लोगों के पास स्पेस कम होता है ना, तो वहाँ मैक्सिमम लोग इसको रखते हैं जी, और बहुत एक्टिव ब्रीड है जी, और बहुत प्यारा भी होता है ये। ठीक है, तो बच्चे इसके साथ खेले जी, ठीक है, और लेडीज ज्यादातर इसको पसंद करती हैं जी। ठीक है, यहाँ तक कि लोग इसको बिस्तर में भी साथ सुलाते हैं जी, इतने प्यारी ब्रीड है। ठीक है, तो शहर में ज्यादातर लोग इसको पसंद करते हैं। ठीक है, और सर ये काटता वगैरह तो काटता तो नहीं है? नहीं काटता जी, बहुत खेलने वाली टॉय ब्रीड है, टॉय भी समझ सकते हो जी आप। ठीक है, और तो आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, मैं आपको पास से दिखाना चाहूंगा, बाकी ब्रीड्स में इतनी शानदार तरीके से आपको नहीं दिखा पाया, तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, काफी शानदार। इसका सर साइज भी काफी छोटा होता है ना? साइज तो बहुत छोटा होता है इसका, टॉय ब्रीड इसलिए इसको बोला गया, खिलौना है एक तरह। ठीक है, मेरे हिसाब से काफी कम है, क्योंकि इसका साइज कम है, खर्च बहुत कम है जी, इसकी डाइट भी बहुत कम है जी। ठीक है, और 20,000 के आसपास ही इसका बच्चा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरह की क्वालिटी है। ठीक है, इसमें क्या क्वालिटी देखी जाती है सर? सर क्वालिटी रिंकल ज्यादा होने चाहिए, ऐसे कान फ्लाई ना करें, ऐसे डाउन हो कान, टेल ऐसे राउंड करे, यही क्वालिटी है जिसकी, डबल राउंड टेल कर। ठीक है, डबल राउंड है। ठीक है, ठीक है, बहुत ही शानदार सर। मैं चाहता हूँ कि आप डीलिंग कैसे करते हैं, आप अपना बिजनेस कैसे करते हैं, अपना कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। देखो सोशल मीडिया का ट्रेंड है जी। जी जी, फेसबुक और व्हाट्सएप के थ्रू ही हम पपी सेल करते हैं जी। जी जी, ठीक है जी। कॉन्टेक्ट नंबर मेरा है 7508026084। ठीक है, यही व्हाट्सएप नंबर भी है। ठीक है, मतलब फेसबुक और व्हाट्सएप पे ही आप इसको सारा कुछ काम करते हैं, और होम ब्रीडिंग के पप्सी सेल करते हैं हम लोग। ठीक है, हम बाहर ट्रेडिंग नहीं करते जी, जैसे यानी कि आपका कहीं से ले लिया बेच दिया, ऐसा काम नहीं है, काम नहीं है, मतलब अपनी अपनी ब्रीड तैयार करते हैं अपनी। ठीक है, जो ब्रीड आपको अभी दिखाई गई है वीडियो में, इंग्लिश मैस्टिफ, साइबेरियन हस्की, गोल्डन रिट्रीवर, पग, रोटवाइलर, जर्मन शेफर्ड, ये सब ब्रीड हमारे घर की हैं, और इन्हीं के पपीज हम सेल करते हैं। ठीक है, मैंने बड़ी मुश्किल से आपके लिए ये वीडियो शूट की है, और उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी करें और शेयर जरूर कर दें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में।